हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही सुंदर सा छोटा छोटा सा डिजाइन लेके आए हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। इसे आप ऑल ऑफ दिस पैटर्न में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका बॉर्डर डिजाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना सीखे। बनाना सीखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को टच करें और ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना सीखते हैं। फर्स्ट फंदे को देखें, स्लिप करें, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड करते हुए वन पर्ल एंड वन निट, धागा अपनी साइड वन पर्ल, धागा पीछे करें वन निट, वन पर्ल एंड वन निट, वन पर्ल वन निट, वन पर्ल एंड वन निट। तो देखिए ये बैक साइड से डिजाइन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड से डिजाइन स्टार्ट होता है, तो यहां पर हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये बैक साइड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, यहां आप जरा ध्यान दें, सेकंड रो फ्रंट साइड, सेकंड रो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लें, धागा पीछे लेके जाएं। तो देखिए कैसे करना है, दोनों धागों को आगे लेके आए और ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बैक फ्रंट साइड से ये फर्स्ट फंदे को हमने स्लिप किया है, दोनों धागों को देखिए हम आगे लेके आए हैं। किस तरह आगे लेके आए हैं देखिए, दोनों को हमने, दोनों सिरों को, जो हमारी ऊन खींच रही है वो भी और जो नहीं खींच रही वो भी, तो दोनों को हमने आगे किया है। जो खींच रहा है उससे नहीं बुनना है, जो नहीं खींच रहा धागा हमारा उससे हम बुनेंगे। तो उससे हमें क्या करना है देखिए, इस धागे को पीछे लेके जाए, एक फंदा सीधा बुने, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा बुने। तो देखिए धागा अपनी साइड करते हुए इसे पीछे से खींच लें, खींच इसको उतना ही खींचे जितना जरूरी है, ज्यादा ना खींचे। धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाए, फिर से देखें, धागा पीछे करें, देखिए धागा अपनी साइड ही रखें और इस दूसरे सिरे को पीछे लेके जाए। ये हमारा धागा खींचने वाला है, तो इसे हम नीचे अंगूठे के नीचे दबाएंगे और जो हमारा धागा नहीं खींच रहा है उसे हम धागा पीछे करें, निट वन, धागा अपनी साइड करते हुए निट वन, वो एक उल्टा फंदा बनाए, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा बनाए, वन निट वन पर्ल वन निट, धागा अपनी साइड करते हुए पीछे से दूसरे धागे को खींच ले। खींचने के बाद धागा फिर से अपनी साइड करें और एक फंदा उल्टा बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार चार फंदों का मल्टीपल है, वन प्लस थ्री फोर, वन प्लस थ्री फोर, तो ये चार चार फंदों का डिजाइन रिपीट होता जाएगा। देखिए दूसरे धागे को भी पीछे लेके जाए और जो खींच रहा है हमारा धागा उसे हमें अंगूठे के नीचे रखना है और जो हमारा धागा नहीं खींच रहा है उसे हमें पीछे लेके जाना है। तो निट वन, धागा अपनी साइड करें वन पर्ल, धागा पीछे करें वन निट, एक सीधा फंदा एक उल्टा एक सीधा, धागा अपनी साइड करते हुए इस धागे को पीछे से खींच लें, फिर से धागा अपनी साइड लेके आए। देखिए इस बार हम सिंगल धागा लेके आए हैं, एक उल्टा फंदा बनाए, देखिए
इस धागे को पीछे लेके जाए पर अंगूठे के नीचे दबाते हुए, तो जो फंदा हमारा खींच रहा है उसे हम अंगूठे से दबाएंगे और जो नहीं खींच रहा उसे हम पीछे लेके जाएंगे। देखिए ये खींच रहा है, ये नहीं खींच रहा है, इसे हम बैक साइड में ले गए। वन नेट, एक सीधा फंदा बुने, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाए, धागा पीछे करें एक फंदा सीधा बनाए, धागा अपनी साइड करते हुए इन देखिए पीछे से धागे को खींच लें, फिर से धागा अपनी साइड करें एक फंदा उल्टा बनाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी थर्ड रो कंप्लीट होती है, फोर रो बैक साइड। तो फोर रो को देखिए फ्रेंड्स, हमें सिंपल वैसे ही बनाना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, धागा अपनी साइड लाएं, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करें, वन नेट, धागा अपनी साइड, वन पर्ल, धागा पीछे करें, वन नेट। इन्हीं तीन फंदों को रिपीट करते जाएं, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह ये रो हमें कंप्लीट करनी है, फोर रो। तो देखिए फ्रेंड्स ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट साइड। तो देखिए फ्रेंड बैक साइड से थ्री रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो में देखिए, फोर्थ रो में हमें फिर से बनाना है पैटर्न, अपना रिपीट करना है। तो वो किस तरह होगा, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाए, एक फंदा सीधा बनाए, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाए। देखिए ये दूसरी वाली सिरे को भी हम पीछे लेके जाएंगे और जो धागा हमारा खींच रहा है, देखिए जो पीछे लेके गई हूँ उसी को मैं अंगूठे से इस तरह दबा रही हूँ, और जो नहीं खींच रहा वो मैं पीछे की साइड लेके गई हूँ। एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, धागे को अपनी साइड करते हुए रखा, और इन तीनों फंदों के पीछे से जो हमारा दूसरा धागा है जिसको खींच रहा है उसे पूरा खींच लीजिए, जितनी जरूरत है उतना खींचने के बाद धागा अपनी साइड लेके आए और एक फंदा उल्टा बनाए, धागे को फिर से पीछे करें और जो खींच रहा है धागा उसे अंगूठे की साइड में रखें जो पीछे लेके गए हैं, और जो नहीं खींच रहा उसको सिलाई के पीछे करें, एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा, और धागे को अपनी साइड करते हुए जो दूसरा सिरा है उसे खींच लीजिए, उसी सिरे को अपनी साइड लेके आए, सिलाई से आगे करें और एक फंदा उल्टा बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाने के बाद इस दूसरे देखिए धागे को पीछे लेके जाएं और जो ये दूसरा सिरा है इसे आगे करें और जो खींच रहा है उसे अंगूठे के नीचे दबाएं और जो खींच नहीं रहा उसे धागे को पीछे करते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपने साइड करें, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाए, एक फंदा सीधा। ऐसे हमें तीन फंदे बुनने हैं जिसमें दो सीधे और एक उल्टा होगा। धागा अपनी साइड करते हुए पीछे वाले धागे को खींच लीजिए, तो धागे को पूरा खींच लीजिए और धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो बैक साइड से सेम रिपीट होगी सेकंड रो की तरह ही। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, वन पर्ल, वन नेट, वन पर्ल एंड वन नेट। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर लें।
तो देखिए फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और डिजाइन बहुत ही प्यारा उभर के आ रहा है। तो इसी तरह आप बनाएं। बनाने के बाद ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है, एक बार ये आप जरूर ट्राई करें, या तो बॉर्डर डिजाइन बनाएं या फिर आप फुल प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, चाहे वो स्वेटर हो, लेडीज कार्डिगन हो, कोटी हो या स्वेट बेबी फ्रॉक हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।